ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। चैत्र नवरात्र का आरंभ माँ दुर्गा के स्मरण करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करते बहुत ही पुण्य माना जाता है। हिंदू धर्म में ये पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि मूलतः साल में दो बार मनाई जाती है, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि के वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वासंती नवरात्रि भी कहते हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। सबसे प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। इनका जन्म हिमालय में होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिन्हें भक्ति और समर्पण की देवी कहा जाता है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा का स्मरण किया जाता है, जो राक्षसों का विनाश करती है। चौथे दिन देवी कुष्मांडा का स्मरण किया जाता है। इनकी आराधना करने से सभी रोग खत्म हो जाते हैं। पांचवें दिन स्कंद माता का स्मरण किया जाता है। माँ मोक्ष के द्वार खोलती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। छठे दिन देवी कात्यायनी की उपासना की जाती है, इन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सातवें दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है। देवी कालरात्रि को साहस व सौभाग्य की देवी कहा जाता है। अष्टमी के दिन देवी महागौरी की आराधना की जाती है। माँ महागौरी को अपार सुंदरता की प्रतीक है। नवमी के दिन देवी सिद्धिरात्रि की पूजा होती है। इनकी उपासना करने से अपार शक्ति व सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन राम कथा का वाचन भी होता है। इस दिन रामायण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन व्रत रखने की भी परंपरा होती है, तथा इस दिन लोग अपने घरों में श्री राम की मूर्ति का भी स्थापना करते हैं। विभिन्न स्थानों पर रामलीला का भी आयोजन होता है। बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण त्योहारों की चमक कम रही। लोग अपने घरों में कैद रहे और बाजारों में कम भीड़ देखने मिली, जिससे पूजा सामग्री के व्यापारियों और विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। परंतु इस वर्ष माँ दुर्गा की कृपा से हालात बहुत बेहतर हैं। बेहतर होते हालात को देखकर प्रतीत होता है कि इस बार सब लोग हर्ष उल्लास के साथ एक बार फिर नवरात्रि और रामनवमी का ये त्यौहार मनाएंगे और माँ दुर्गा से अपने परिवार के लिए दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। IIMM के परिवार की ओर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।